नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और जयपुर का एक अजूबा दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। जयपुर मेन सेंटर में हूँ और चिराग भाई एंड टीम एंड परिवार सब हम आए हैं। तो कुछ अलग है किसानों के लिए, इसीलिए ये मैं चाह रहा था आप सभी देखें। तो समझ लेते हैं और आपको लिए चलता हूँ जयपुर के ऑर्गेनिक फार्म और ट्रेनिंग सेंटर पे। दीदी नमस्ते। तो एक थोड़ा सा परिचय दीजिए, हम कहाँ हैं और क्या आप दिखा रहे हैं। मेरा नाम संगीता गौड़ है जी। और आप लोगों को जय हिंद जय भारत। जय हिंद। मैं जयपुर के सनराइज के ऑर्गेनिक पार्क में हूँ। डॉक्टर अतुल गुप्ता जी ने इसे डेवलप किया है। ओके। और एक मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं। सबसे हाँ। पहले शुरुआत की है हमने राजस्थान से कि राजस्थान को जैविक राजस्थान बनाया जाए। ओके। इस मिशन को लेके हम लोगों ने सीएम साहब को भी प्रपोजल दिया है, उनके सामने भी निवेदन प्रकट किया है कि हम लोग राजस्थान को जैविक बनाएं। ओके। इस प्रगति को देखते हुए हमने जो आप जहां पे अभी जगह देख रहे हैं, हाँ। ये 162 एकड़ का एक लैंड है। ओके। जहां पे हमने सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू किया है, जहां पे 300 तरह की जड़ी बूटियां हैं। हाँ। किसानों के साथ में होता है कि किसान परंपरागत खेती करते हैं और परंपरागत खेती के अंदर जो है वो ज्यादा आर्थिक आजादी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते, इसलिए हमने औषधीय पादपों की खेती, यानी कि आप अपने खेत में परंपरागत खेती तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन साथ के साथ आप औषधीय पादपों की खेती भी कीजिए। ओके। ताकि आपको थोड़ा सा और उसके अंदर आर्थिक आजादी मिले। ठीक बात है। तो उसके लिए सबसे पहले तो है कि जैविक की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है और वो है गौ माता। हाँ। गाय का सबसे पहले स्मरण हमारे दिमाग में आता है कि गाय जो है, गाय दो तरह की होती है, इंडिकस और पोरस। हाँ। इंडिगस इंडियन काउज है और पोरस जो है विदेशी गायें हैं। इंडिगस जो गायें हैं वो 32 नस्लें गाय की। हाँ। 32 नस्लों में से जैसे आपके गुजरात की गीर है। हाँ। राजस्थान की नागौरी है, साहिवाल है, थाईपार है, हरियाणवी है, इस तरह से 32 तरह की नस्लें हैं हमारे पास में। अब जैसे एक और भी नस्ल है जिसको हम जर्सी बोलते हैं, जिसको हम लोग कंसीव करा दिए कि विदेशी से थोड़ा सा या सुअर वगैरह से जैसे भी थोड़ा सा कंसीव करा के जो दूसरी नस्ल की गाय है जिसको जर्सी बोलते हैं। लेकिन क्या करे, गाय है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए आदरणीय है जी। तो हम उनको भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन हमारे पास में जहाँ आप खड़े हैं 3000 गायें हैं। ये गौशाला है पिंजरापोल गौशाला की, यहाँ पे 3000 गायें हैं जिसमें आपकी गीर, साहिवाल, थाईपार सब मिलेगी आपको। उन्हीं गायों का जो गोबर है, पिंकी तरफ, उन्हीं गायों का जो गोबर है हमारे पास में है जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार करते हैं। मैं आपको एक डेमो देना चाहती हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट का वर्मी बेड है जिसमें आप देखिए ये केचुए से निर्मित है। ये खाद जैसे एक चाय की पत्ती का जो पाउडर बनता है वैसा पाउडर ये बना देगी। ये केचुए जो है ये उसमें बना देगी। तो मैं आपको कुछ केचुए वगैरह दिखाना चाह रही हूँ। अभी धूप है, ये देखिए वो धूप में अंदर चले जाएंगे। हाँ। केचुओं को क्या चाहिए, केचुओं को चाहिए धूप चाहिए, सॉरी छाया चाहिए, यानी अंधेरा चाहिए, अंधेरे के साथ में उनको पानी चाहिए। ठीक है, और गोबर चाहिए। बराबर। तो मैं अभी आपको ये डेमो दे रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से केचुए हैं। ये 27 दिन में 27 बच्चे पैदा करता है। अच्छा, ये देखिए छांव वाली जगह है वहां पर मिलेंगे। हाँ। थोड़ा एकदम ठीक। इसी तरह से इस जगह जहाँ पे जिस प्रांगण में आप खड़े हैं वहाँ पे 300 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ। अलग अलग अभी हमारा और काम चल रहा है, थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से हम लोग जो है अलग अलग, क्योंकि हमारे पास फार्मर्स आते हैं अब आइडेंटिफाई करने के लिए अश्वगंधा कैसा दिखता है। हाँ, हाँ, हाँ। अश्वगंधा में क्या चीज काम में आती है, लोगों को ऐसे लगता है पत्तियां काम में आती है। अब अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, इनकी सिर्फ जड़े काम में आती है। ओके। ठीक है, जैसे अश्वगंधा का पंचांग भी आता है क्योंकि उसमें सीड भी होती है, पत्तियां भी होती है, लेकिन उसकी असल जो चीज है वो है उसकी जड़ें। ओके। जैसे हमारी जड़ें हैं हमारा भारत। हाँ। वैसे ही उनकी जड़ें जो है वो भी वैसी ही मजबूत है। हाँ। तो आप अश्वगंधा देखेंगे या शतावरी देखेंगे या सफेद मूसली देखेंगे। हाँ। तो ये तीनों जो है जड़ों से ही मानी जाती है और समझी जाती है। आप यहाँ पर पूरी जगह पे आप देखेंगे इस तरफ जो है पूरा जो है गाय के गोबर से वर्मी बेड बनाया जा रहा है। आप आइए आगे आपको दिखा दूँ।
जयपुर द पिंक सिटी, यहाँ पर कुछ किसानों के लिए गजब हो रहा है। वर्मी वॉश जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ से कलेक्शन। पूरे भारत में चिराग भाई देखा जाए तो हर जगह यूनिक चीजें मिलेगी इस रास्ते पर देखना चालू करेंगे तो। गौशाला आपको बताई गई थी जब आप दाखिल हुए थे, तो गौशाला थी, गौशाला का पूरा गोबर जो है ऐसे आता है जगह पे, अपनी अपनी जगह पे छोड़ता हुआ। ये गोबर जो है आप देखिए, वो आगे आपको बैलगाड़ी दिखाई देगी, तो वहाँ तक जो है गोबर यहाँ पे रखा जाता है। ओके। और ताजा जो गोबर होता है यानी गर्म जो गोबर होता है वो कभी भी इस्तेमाल में नहीं किया जाता, ठंडा करने के बाद एक दिन के लिए ठंडा किया जाता है। ओके। यानी कि गोबर आया उसको एक दिन रखा, फिर उसके लिए फिर दूसरे दिन से हम लोग वो प्रोसेस शुरू करते हैं जो वर्मी कंपोस्ट। आपके और कोई सवाल है? मैक्सिमम जो गोबर का कलेक्शन है गौशाला का, उसका वर्मी वास और वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है जो किसानों के लिए खाद के रूप में काम में आ रहा है, जैविक खाद। जी। ओके ठीक है। ये जो नाडेब दिख रहे हैं, ये बेड जो दिख रहे हैं, ये यहाँ से आपके यहाँ से किसान चाहे तो परचेस कर सकते हैं क्या? हमारे साथ में जो बायबैक एग्रीमेंट की एक प्रणाली है, जो हम लोग बायबैक एग्रीमेंट करते हैं किसानों के लिए। किसानों के पास में समस्या होती है कि वो उगा तो लेते हैं लेकिन खरीदार कहाँ मिले। परंपरागत खेती कर रहे हैं, गेहूँ बाजरा जो उगा रहे हैं, तो उसमें क्या आपके पास मंडियां हैं, आपके पास आड़ती बैठे हैं, मंडियां बैठी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मंडियां जैविक खेती या मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन के लिए नहीं है। नहीं है। स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इन्होंने कोशिश की है कि हम लोग किसानों को जागृत करें, उनको बताएं कि औषधीय पादपों की खेती की जाए, लेकिन अभी तक उस स्तर पर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि किसानों के पास यही समस्या होती है कि हमारा प्रोडक्शन, हमारा उत्पादन कौन खरीदेगा। तो उसके लिए क्या है कि हमने बायबैक एग्रीमेंट की प्रणाली शुरू करी है। ओके। जिसमें हम लोग बायबैक में औषधीय पादपों की खेती कर रहे किसानों से हम लोग बायबैक एग्रीमेंट में उनका प्रोडक्शन खरीद लेते हैं। ओके। उसमें सिस्टम कैसा रहता है बायबैक एग्रीमेंट में, ऐसे फार्मर कैसा जुड़े आपसे, कनेक्ट कैसे जुड़े? हमारा एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे आप हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। किस नाम से? अलावा यूट्यूब चैनल पे तो आप जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट, आप लिखेंगे उसकी खेती के बायबैक के बारे में लिखेंगे तो आ जाएगा। ओके। दूसरा, हमारे यहाँ पर हमारा खुद का जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में IIAASD.com। आप इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारे पास 16 तरह के कोर्सेज हैं। okay. कौन कौन सी क्रॉप आप करेंगे वो सबकी डिटेल आप वहाँ पे जाके, आप उसी पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 दिन का सेशन होता है ट्रेनिंग का, उसमें फार्मर अटेंड होते हैं, उसमें हो सकते हैं। और फिर आके जैसे सपोज कीजिए किसी ने कहा कि मुझे शतावरी की खेती करनी है, तो शतावरी की खेती के लिए सबसे पहले तो हम उनको ये समझाएंगे कि शतावरी की खेती में लागत और उत्पादन कितना है। जी ठीक है। किसान को सबसे पहले खर्चा करने के साथ साथ जो है किसान को ये चाहिए, मुझे मिलेगा क्या, मुझे प्राप्त कितना, पूरा समय बिताने के बाद फसल आने के बाद क्या मिलेगा। उसके साथ में ये रहता है कि मुझे प्राप्त क्या हो गया, क्योंकि आजकल क्या है कि पहले क्या होते थे फार्मर्स धरती माता को जो है माँ समझ के जो भी उगाते थे, कहते ना मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, तो वो वाले आज क्या है किसान हो गए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हो गए, मेहनत होती नहीं है लेकिन प्रोफेशनल हो गए, क्योंकि DAP यूरिया डालते हैं और जाके खेत में जाके सो जाते हैं, रेडीमेड चीजें थोड़े ज्यादा यूज हो रही है, उग जाएगा, प्रोडक्शन तो आ ही जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं करना, हमारे किसानों को जो है हमें मेहनत कश वापस बनाना है और मेहनत कश बना के गाय माता से जोड़ते हुए जैविक खेती करवानी है। उसमें क्या है, जैसे उसने शतावरी की खेती करनी है वो हमारे पास आएंगे, हमसे बात करेंगे, अगर आ नहीं सकते तो टेलीफोनिकली हमसे बात करेंगे और हम उनको बताएंगे ये आपका लागत है, ये उत्पादन है, इतना प्रोडक्शन आपका आएगा। ओके। और आपके क्लाइमेट में ये वाली फसल है या नहीं है, आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसके अलावा हमारे पास और भी क्रॉप है, आप चाहे तो वो कर लीजिए। जी। ऐसे करके जब किसान का माइंडसेट होता है, वो समझता है, तब हमारे पास में एक पॉलिसी है कि हम आपको ये खेती करवाएंगे। तो जो उसका प्लांटिंग मटेरियल है, वो प्लांटिंग हम तो जैविक खेती करवाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट,
नीम के, ट्राइकोडर्मा, जिप्सम एंड प्लांटिंग मटेरियल यानी शतावरी के पौधे हो, व्हाटएवर किसी के भी पौधे हो, तो वो सब कुछ जो है हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। किसान को हमसे परचेज करना होता है। ओके, ठीक है। किसान परचेज करके गया, हमने उनके साथ में 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर लिया कि आपका जो प्रोडक्शन आएगा उसको संस्था यानी हमारी कंपनी सनराइज एग्रीलैंड डेवलपमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड खरीदेगी। ओके, खरीद के उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, हमारी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें हम प्रोसेस करते हैं। ओके, ठीक है। ऐसे करके फिर किसान के साथ में हम एक सहूलियत और देते हैं, कंसल्टेंसी। यानी जितने टाइम की खेती है उतने टाइम की कंसल्टेंसी हमारी फ्री रहती है ऑन व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप में हमारे पास से 6-7 जो हमारे एक्सपर्ट डिजिटल कंसल्टेंसी देते हैं। हाँ, okay. वो कंसल्टेंसी यानी कि एक फार्म डायरी होती है सुबह से लेके शाम तक की, आपको आपने क्या किया, कैसे करना है, और आगे जो है हम लोग भी उनको गाइड करते हैं कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। ऐसे करके जब तक प्रोडक्शन आता है और जब तक हम तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम सुबह 9 बजे से लेके शाम को कनेक्शन कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है, टोटल कम्युनिकेशन उनके साथ में हमारा रहता है। ठीक है, इसमें जयपुर के नियर बाय फार्मर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या राजस्थान के या ऑल इंडिया के? पैन इंडिया ये बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ पूरे भारत के जुड़ सकते हैं, हमारे साथ में जुड़ते हैं, खेती भी करते हैं। okay. और जैसे अभी मौसम है आपका सफेद मूसली का है, जुलाई अभी चल रहा है, तो ये सफेद मूसली का मौसम है। ओके, मोरिंगा जो है सदाबहार है, मोरिंगा को आप कभी भी लगा सकते हैं। मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जिसको ना तो ज्यादा पानी चाहिए ना ज्यादा देखरेख चाहिए, वो फिर भी फल जाता है। एक थोड़ा सा खट्टा अनुभव है मेरे खुद के साथ में और हमारे क्षेत्र के साथ में, जैसे सफ़ेद मूसली आपने नाम लिया, कई सारे फार्मर्स को मैंने समझा है, सुनना समझना देखना बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक्चुअल उस पर जाएंगे तो सफ़ेद मूसली बड़वानी में बहुत एक थोड़ा चरम पे चला था, लेकिन एक ही व्यक्ति ने जिसने बीज बेचा उसी ने केवल पैसा कमाया। तो मोरिंगा भी जो है जैसे कुछ चीज़ें चली, गवर्नमेंट तरफ से भी रिकमेंड हुआ, किसानों ने लगाया, फिर बायबैक हो नहीं पाया। तो आप जो बायबैक एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, फार्मर इससे कनेक्ट हो सकते हैं। 1996 से फार्मर के लिए काम शुरू किया। 1996 में हमने एक एनजीओ बनाया था जिसका नाम है हनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी। ओके, वो एनजीओ बनाने का उद्देश्य था कि 1996 में WHO ने ये कह दिया था कि भारत 2020 तक बीमार देश होगा। ओके, तो भारत बीमार देश होगा, तो एक मन में हमारे भी, कल एक मैं एक वेब सीरीज देख रही थी जो आपके गुजरात में आपका जो मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, उसमें जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वो देख रही थी मैं, तो लास्ट में जो सरदार जी बोलते हैं उसको गोली मारने के बाद में कि भारत माता की जय, तो मैं खुद यूट्यूब वो देख रही हूँ उस पे G5 पे, और मेरे मन से निकला भारत माता की जय। क्यों निकला? क्योंकि हमारे अंदर भारत जिंदा है, हमारे अंदर भारत है। सीरियल देखते देखते निकला, खुशी हुई इतनी कि मेरे बच्चे अलग रूम में खाना खा रहे और मैंने देखते देखते इतनी फीलिंग ऐसी आई कि मैंने जोर से बोला भारत माता की जय, बच्चे आए क्या हुआ, मैंने कहा तो वो फील जो है ना भारत माता वाला, हमारा भारत जो है 2020 तक बीमार क्यों हो जाएगा। तब डॉक्टर अतुल गुप्ता जो संस्थापक है हनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के, उन्होंने देखा कि भारत जो है इसलिए बीमार हो जाएगा कि हम लोग केमिकल खाते जा रहे हैं, रसायन जो है हमारे घर में है और हम रसायन यूज कर रहे हैं, इस वजह से भारत 2020 तक शायद बीमार हो जाए। बचाव के लिए हम क्या करें, तो बचाव के लिए क्या किया गया कि जैविक खेती करें। ओके, कृषि उत्थान, कृषक उत्थान और महिला उत्थान पे काम किया जाए। कृषि उत्थान में जैविक खेती, कृषक उत्थान में औषधीय पादपों की खेती, और महिला उत्थान में हमारे पास अभी 1.5 लाख महिलाएं हैं जो कि कोटा बेल्ट की हैं, जो घर में बैठ के प्रोडक्शन तैयार करती है, जैसे आपने फिनाइल देखी होगी, गो फिनाइल और गोटा पत्ती का काम करती है, हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, ऐसे घर में बैठ के ग्रामीण महिलाएं, 1.5 लाख महिलाएं आपके साथ जुड़ी है, ये बहुत ही सुंदर बात है। अभी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई, हम नाम ही पढ़ रहे हैं, अभी अभी तो नाम ही पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, पूरी फिल्म देखेंगे। तो इस तरह से अतुल गुप्ता जी ने हनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी का निर्माण किया और उसमें कृषक उत्थान, कृषि उत्थान और महिला उत्थान पे काम करते हुए जब वो आगे गुजरते गए तो किसानों ने कहा हम उगा लेंगे, खरीदेगा कौन। वो पॉइंट आता है, आर्थिक आजादी के लिए आपको ये करना चाहिए, लेकिन हम कैसे करें, तो दो ऑप्शन दिए गए,
ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करके आप खेती कीजिए ताकि एक्सपोर्ट कर सके। ठीक बात है। दूसरा ऑप्शन दिया कि कोई नहीं खरीदे तो मैं खरीदूंगा, एकदम ठीक है भाई। दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, अगर कोई नहीं खरीदता है तो मैं खरीदूंगा, तुम्हारा मटेरियल मैं लूंगा, एकदम ठीक। तो ऐसे करके हमने किसानों को वादा किया और बायबैक एग्रीमेंट शुरू किए हमने 2007 से। सात से 14 साल हो गए हम लोग बायबैक एग्रीमेंट शुरू कर रहे हैं। फिर फार्मर्स ने कहा कि हमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए, तो हमने 2010 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट बनाया, जिसमें फार्मर टेक्निकल नॉलेज ले सके, प्रैक्टिकल ले सके और उसमें आके अपनी जो भी खेती उनको करनी है वो कर सके, एकदम ठीक। 2015 में हमने किताब का निर्माण किया जिसका नाम है मैं हूँ किसान, जो सिर्फ किसानों पर आधारित है, जिसमें किसान को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए और बेचने के लिए कहाँ जाना चाहिए, एकदम ठीक। वो सब चीजें गाइडेंस जो है उस किताब के माध्यम से किसान हमसे प्राप्त करते हैं। आप जहाँ खड़े हैं इस जगह को 2016 में डेवलप किया गया था। फार्मर्स आते थे, वो कहते थे कि हमें पता नहीं चलता कौन सा पौधा, अब कहाँ कहाँ लेके जाए फार्मर्स, एक ही जगह सब दिख जाए फार्मर्स को कि आप यहाँ कर लीजिए वहाँ कर लीजिए खेती, फोन यहाँ कर लीजिए वहाँ कर लीजिए। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 300 तरह की जड़ी बूटियों का डेमो एक ही जगह लगा, बहुत अच्छा कि सपरगंधा कैसा दिखता है, अश्वगंधा कैसा दिखता है, ये मालूम नहीं है ना मेरे जैसे, कोई पता नहीं, मैं एग्रीकल्चर में इतने समय से हूँ, बहुत सारी चीजें। इस तरह से यहाँ पर डेमो निर्माण किया डेमो का, ये 2016 की हमारी उपलब्धि थी। 2019 में हमने भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ बनाया, जिसमें हमने ये कहा कि किसान जो है एक मंच पे, एक मंडी पे आके हमारे साथ में बैठे, एकदम ठीक। जैविक किसान हो, खुद किसान है, खुद का जैविक उत्पाद है और लोग भी भारत के अपने हैं। हम भारत को स्वस्थ बनाएं और लोगों को बताएं कि यहाँ से इस मंडी से आप प्रोडक्शन अपना ले सकते हैं, एकदम ठीक। तो हमने भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ, उत्पादक का मतलब प्रोडक्ट जो तैयार कर रहे हैं उसको आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक बात। फिर हमने 2021 में, मार्च 2021 में राजस्थान ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट बनाया। अच्छा, जैसे कि आप डी मार्ट जाते हो या आप बिग बाजार जाते हो, तो वहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको तेल, साबुन, चीनी सब कुछ मिल रहा है, बराबर, ठीक है। तो ऐसा जैविक पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो भाई जैविक कपड़े पहनो, जैविक जूते पहनो, वो भी यूज करो, काजल भी लगाओ तो आप जैविक का बनाओ, उठने से सोते तक सारी चीजें जैविक हो सकती है, हो सकती है। तो इस तरह का आपको करना चाहिए। तो हमने, अतुल गुप्ता जी ने राजस्थान ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट बनाया, जो 3 मंजिला एक मॉल है, जिसमें टोटल प्रोडक्शन जो है ना आपका ऑर्गेनिक, बहुत बढ़िया, जिसमें आपकी अब तक की 60 कंपनियां जुड़ चुकी है और वो कंपनियां जो है अपना प्रोडक्शन, क्योंकि उनका बेस तो फार्मर ही है, फार्मर बेस, फार्मर ही से ही आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, तो वो प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक बात है, एकदम बढ़िया। ये सफर 1996 से लेके अब तक का ये सफर है जो हम लोग 2021 तक का आपके सामने, डॉक्टर अतुल गुप्ता जी का आपके सामने, उनका उद्देश्य एक ही है। वो आते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो चप्पल खोल देंगे, हम उनको बोलते हैं चप्पल पहन लीजिए सर, अर्थ तो से कनेक्ट होना चाहते हैं, अच्छा लगता है। और वो खुद जो है अपनी पैंट को यूं करके कभी बात करते भी नहीं है, और वो जाके पौधों में पानी डालना, ये नहीं हुई, उनको देख के आपको ऐसे लगेगा एक रियल फार्मर से मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ, एकदम ठीक। वो बिजनेसमैन नहीं है, मैं कई बार हमारे पास में, कई बार हमारे तर्क वितर्क हो जाते हैं आपस में, किसान आते हैं परेशान होते हुए कि हमारा ये माल ऐसे बच गया, कोई खरीद रहा नहीं है, खराब हो गया, तो वो ऐसे कहते हैं लाओ मुझे बेचो। अब भाई पैसा है, आपका पैसा कहीं पे, तो फिर मैं कहीं पर जो है उनके साथ में ऐसे करती हूँ, सर आप हर किसी से मटेरियल ले लेते हैं, तो कह रहा बेचारे किसान है, किसान बोल के तो उनसे आप कुछ भी करवा लीजिए, किसान बोल के कुछ भी करा लो, मैं फार्मर हूं, ये भी फार्मर बोल के आप उनसे कुछ भी ले लीजिए, वो अपना कलेजा दे देते हैं फार्मर्स को। ये बड़ी सुंदर बात है, मैडम से बिल्कुल सहमत हूँ दीदी से, क्योंकि उनकी जो इंटरनल भावना जो है ना वो किसानों के लिए ही है एकदम से। बहुत सुंदर, आइए
ये हमारे यहाँ पर पहले जो ट्रेनिंग होती थी, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी, उसमें बहुत सारे किसान जो है यहाँ मौजूद हुआ करते थे, एक त्योहार की जैसे हम लोग उसको सेलिब्रेट किया करते थे। बराबर। लेकिन जब से कोविड आया, कोविड आने के बाद चिराग भाई मैं आपकी बात रोकूंगा, एक सेकंड आगे बढ़ेंगे। ये केचुआ खाद यहाँ पे दिख रहा है। ये जो ऑर्गेनिक खेत होंगे ना वहाँ पर ही दिखेगा केचुआ खाद। जी आप बता रहे थे पूरी जगह ही आपको दिखेगा केचुए। तो वैसे भी देखिए आपकी जमीन को जो भुरभुरी बना देता है, कंडीशनिंग करता है। तो केचुआ क्या होता है, अंदर 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 रेंगता रहता है और फिर वो क्या करता है, उसको भुरभुरी बना के खाद तैयार करता है। वैसे भी कई लोगों के अगर जमीनों में अगर केचुआ है तो ये सोच लीजिएगा कि उनकी जमीन की उर्वरक क्षमता बहुत ज्यादा है। एकदम सही। जैसे हमारे शरीर की होती है इम्यूनिटी पावर, यानी रोगों से लड़ने की क्षमताएं जो होती है, वैसे ही जो है केचुआ जिसमें होता है जिस जमीन में, उसकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, उस पर किसी भी तरह की पैदावार आप कर सकते हैं। आप कुछ बतला रहे थे, मैंने रोक दिया था उस समय। हम लोग क्या फार्मर्स यहाँ पे आते थे पहले, तो फार्मर्स क्या थे कि यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके जाते थे और बैच होते थे 40-40, 50-50 किसानों के, वो ट्रेनिंग लेते थे हमारे यहाँ। लेकिन जब से कोरोना आया तब से चीजें बिखर गई। फिर हमने वेबिनार शुरू की, यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो अब हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो फिजिकली, जैसे आप लोग अभी गुजरात से आए हैं तो वैसे कोई फिजिकली आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम आपके पास अभी दो राज्य खड़े हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात। अच्छा, आप गुजरात से। जी, मेरा नाम बलराम किसान है और मैं लगभग 2006 से किसान पाठशाला पे रन हो रहा हूँ। स्टोरी लगभग सिमिलर है आपने जो बतलाई और हमारी दोनों की। नहीं, बहुत अच्छा है, आप युवा हो के आप, मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है कि आजकल की युवा जो है खेती की तरफ, क्योंकि देखिए किसान का बेटा भी है ना, किसान ये सोचता है डॉक्टर बनाता है, टीचर बना दू, इंजीनियर बना दू, लेकिन ये नहीं कहता किसान बना दू। एक्चुअल में क्या है, हमारी सभ्यता, यानी कि हमारी सभ्यता क्या है, कृषि ही तो है। आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर। यस, हमारी सभ्यता, हम उसको छोड़ के हम निकल पड़ रहे हैं। आज सोचिए कोरोना आया, इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई, लेकिन किसने बचा दिया, एग्रीकल्चर ने बचा दिया, एग्रीकल्चर ने बचाया है। तो इसलिए एग्रीकल्चर को हमें जोड़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना, अगर आपके पास खेत है, जमीने हैं, तो बच्चों को कहिए कि चलो ये इतना इतना एरिया है और यहाँ पे इतने इतने, तुम ये उगाओ, तुम ये उगाओ और तुम्हारे प्रोडक्शन में देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कमाई है। बीच में उल्टा हो गया है, मतलब एक 5,000 से 10,000 की नौकरी भी है ना, वो फार्मर को ऐसा लगता है मेरे बच्चे को नौकरी करने भेजूं, नौकर बना दूं। एग्रीकल्चर में खुद मालिक है, वो मालिक फील है। नहीं कर पा रहा है, अगर एक एकड़ भी है तो वो उसको फील ना, तो वो बच्चे को करवा पा रहा है ना, उसको फीलिंग है कि मैं यहाँ पर रोकूं इसको। गलत। जैसे देखिए हमारे साथ में समस्या क्या है, वो भी किसान की भी बेचारे की कोई उसको समझ में नहीं आई, एक्चुअली में उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं, बिजनेस माइंड तो होते नहीं है किसी में। बिजनेस मैन जो होता है वो फार्मर जो है, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे हम घर बना रहे हैं तो मकान बनाते हैं, तब क्या करते हैं कि ठेकेदार क्या करता है, किताब डालता है, बजरी इतनी आ गई, इतनी ट्रोली बजरी आ गई, इतनी ईंटें आ गई, पानी जो है इतना आ गया, सब कुछ इतना, इतनी लेबर आज लगा दी, यानी डे वन से वो खर्चा लिखना शुरू कर देता है। वो खर्चे को मिला के वो बता देता है बिल्डर को कि इतना खर्चा आया, बिल्डर उसका प्रॉफिट मिला के कह देगा इतने रुपए की बिल्डिंग है। ठीक है, किसान क्या करता है, हाँ साहब बो दिया, हाँ खेती हो रही है, हल चला गया, बेल खा लिए तो खा लिए, पी लिए तो पी लिए, और चल रहे तो चल रहे, और जाके बस सुस्ता लिया, पेन कागज पे नहीं है वो। वो क्या है कि प्रोफेशनल तरीके से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाते, डेली फार्म डायरी नहीं बनाते। अगर डेली फार्म डायरी बनाना शुरू कर देंगे फार्मर्स, तो हमारा भारत सबसे ज्यादा अमीर होगा। बात बिल्कुल सही है, अगर डेली फार्म डायरी बनाएंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि मेरे को खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा खेती में से मैं निकालता हूँ उससे ज्यादा तो डाल रहा हूँ। जब पता चल जाएगा, रुकेगा तो ही वो कुछ दूसरी दिशा में जाएगा, और खुद जो है वो केमिकल या फर्टिलाइजर जो लाला के काम कर रहा है उसके जगह पर जो देसी पद्धति से अपने पूर्वज जो कर रहे थे, नहीं करने की बजाय करना क्या चाहिए ये समझ में आ जाएगा। और चेयर लगवाता और पानी शिल्पा पानी के लिए।